चलती ट्रेन में आतंकी कांस्टेबल चेतन सिंह के किए गए हत्याकांड के खिलाफ एनसीपी ने विधायक अव्हाड़ के नेतृत्व में किया मूक निषेध प्रदर्शन। क्या कहा प्रदर्शन के बाद विधायक अव्हाड़ ने, सुनिए। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 31 जुलाई सोमवार को मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह द्वारा एक विशेष मानसिकता के चलते, एक विशेष विचारधारा के चलते पिछड़ी जाति के अपने आला अधिकारी टीकाराम मीणा और 3 मुसलमानों को अलग अलग बोगियों में गोली मारकर उनको आतंकी हमला कर मार देना। इस घटना के खिलाफ थाने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अध्यक्ष सुभाष देसाई के साथ पूर्व मंत्री तथा विधायक जितेंद्र आव्हाड़ ने थाने के डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले के पास मूक निषेध प्रदर्शन किया। भरी बारिश में यह मूक निषेध प्रदर्शन चलता रहा और अंत में मीडिया से बात करते हुए इस पूरी घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी पूर्व मंत्री तथा विधायक जितेंद्र आव्हाड़ ने, सुनिए। बारिश, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि बारिश में बैठे हो, धूप में बैठे हो, छांव में बैठे हो? अरे इंसानियत के लिए हम समंदर में भी बैठ जाएंगे, जलते हुए अंगार पे भी बैठ जाएंगे, क्योंकि लड़ाई इंसानियत की है। ये जो मारे जा रहे हैं ये इंसानियत के दुश्मन हैं, जो मारने वाले हैं। ये लड़ाई इंसानियत के लिए है। चुन चुन के लोग मारे गए ट्रेन में और तुम उसको पागल कहते हो? तो पागल था तो उसके हाथ में बंदूक क्यों थी? छिपाओगे तो कितना छिपाओगे? ये जो तुमने बोया है पता हुआ नजर आ रहा है। ये गांधी का देश, ये बुद्ध का देश, ये छत्रपति शिवराय का देश अमन और शांति जानता था। अब तो अमन कहीं शांति कहीं दिखता ही नहीं। अब सिर्फ क्रोध, अंगार। हम विद्वेष की राजनीति कर रहे हैं और दिलों में अंगार भड़का के ये सब करना चाहते हैं, करवाते हैं। बराबर चुन चुन के उसने किसको मारा? टीकाराम मीणा कौन था? दलित था वो। 3 मारे वो कौन थे? मुसलमान थे। क्यों चुन चुन ने मारा उसने? हमने अमेरिका में भी ऐसी फायरिंग देखी है, कोई घुमा देता है राइफल। एक एक डिब्बे में जाके उसने लोगों को चुना, तो वो पागल है। आप लोगों को पागल बना रहे हो, लोग पागल नहीं है।